जिला ऊना के इंदिरा गांधी खेल परिसर में आज राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ किया गया। 37वें राज्य स्तरीय युवा उत्सव का आगाज हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए किया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर संपूर्ण हिमाचल की एक तस्वीर देखने का सैकड़ों लोगों को अवसर मिला, जब विभिन्न जिलों से आए 512 प्रतिभागियों ने पारंपरिक वेशभूषा में अपने अपने जिला की संस्कृति की छवि प्रस्तुत की। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज ये प्रदेश स्तरीय राज्य स्तरीय युवा उत्सव जो है वो मनाया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जहां खेल और कला संस्कृति की बहुत सारा ऐसा हुनर है, टैलेंट है जो हमेशा छुपा रहता है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्हें निखारना और उन्हें कॉम्पिटिशन्स में लाना और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ऐसे जो भी महोत्सव उत्सव होते हैं उन पर जो है वो उनको मंच प्रदान करना, ये युवा सेवाएं एवं खेल विभाग ने जो किया है इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो कला संस्कृति है बहुत ही समृद्ध है। और अगर हम देखें तो माननीय प्रधानमंत्री जी जब इसराइल गए थे तो उन्होंने वहाँ के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को जो थी वो हिमाचली टोपी जो थी वो भेंट की थी और अपने आप भी हिमाचली कैप लगा करके जो था वो वहाँ पर हिमाचल प्रदेश की जो कला संस्कृति और वेशभूषा है जो समृद्ध है उसको विश्व के मंच पर जो था वो एक स्थान देना था, ये काम जो था वो मोदी जी ने भी किया था। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा।
घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।